वीडियो आज मैंने अपलोड करने वाली हूँ आप लोग के लिए, जो मैंने ये दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप है। इफ यू कैन सी दिस लुक, एंड एज यू नो कि फ्रेंड्स मैं ज्यादा अपने अपलोड नहीं करती हूँ ज्यादा वीडियोस, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। एंड दिस इज द रेनी सीजन, सो लिटिल बिट हम लोग को बहुत ज्यादा भी काम भी रहता है। एंड आप लोग को पता है कि मैं ज्यादा अपने वीडियो को एडिटिंग नहीं करती, मैं नेचुरली करती हूँ, बिकॉज आई हैव अ नो टाइम, आई हैव सच अ नो टाइम कि मैं इतना यू नो वीडियोस एडिटिंग करूँ एंड ऑल दिस। सो If you want to check my this look, so you can check out my Instagram page. If you want to check out my this page, so I'll mention this link in description box. आप directly मेरे Instagram page देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे मैंने sorry Instagram पे मेरे मैंने एक दीपिका पादुकोण का एक photos लिया है और एक मेरा photo लिया है, जो I know थोड़ा सा सिमिलर तो नहीं होता फ्रेंड्स, बट हम थोड़ा सा डिफरेंट तो हो सकता है। एंड आई शो यू द पिक्चर ऑफ दीपिका पादुकोण, सो दिस इज द पिक्चर इफ यू कैन सी। एंड सो दिस लुक आज करने वाली हूँ, यू कैन सी दिस इज आई एम डन। सो इफ यू वॉन्ट टू लाइक दिस वीडियोज एंड प्लीज गिव मी आर थम्स अप। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। एंड ज्यादा टाइम नहीं लोगे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस पे अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है। ओ गॉड, मुझे ये बाल बहुत बार बार परेशान कर रहे हैं। सो आई वेर इज दी माई क्लिप, या दिस इज दी माई हेयर बिन। सो मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर देती हूँ ताकि वो मेरे फेस पे बार बार ना आए। एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस माई एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स मैंने अभी बाय किया है, इफ़ यू कैन चेक दिस, अभी तक ये सिलपैक है। सो मैं इसका रिव्यू में आपको पक्का दिखाऊंगी, इज सच अ नाइस एलोवेरा जेल। एंड फर्स्ट यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चिपका रहे। सो या फ्रेंड्स, नेक पे भी लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाइट और ये ब्लैक दिखे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एक्वा शिमर बेस कलर एसेंस का, एंड माय एक्वा शिमर बेस, या एंड द शेड नंबर इज व्हाट बिगिन, व्हाट इज दिस आई डोंट नो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माय ऑल ओवर फेस। Now here I'm using this my brush and I'm blending this all my foundation, base. So here I'm using my color essence aqua shimmer base done, and now I'm going to apply this my blue heaven Florina foundation, and my shade number is natural glow. Here it's this mention. So this is the real cute and nice packaging, and here it's a little bit your pump. So I'll take in my hands. Yahan pe main thoda sa lungi, and I'll go with same this brush. And main abhi isko apne pure face pe apply karungi, like yahan. ये फाउंडेशन फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा यू नो मैट है एंड मुझे इसका स्मेल भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप इसे 175 रुपीज़ है इसका टोटल प्राइस, यू कैन बाय दिस ब्लू हेवेंस फ्लोरिना फाउंडेशन। एंड ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है यू नो हमारे फेस पे, सो मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स ये। So friends, here you can see this my all foundation done, and now I'm going to apply this my Camlon penstic. So मैं यहाँ पे जो dark circle है मैं वहाँ पे इसे apply करूँगी, it's like this. Okay.
इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे भी करेंगे फ्रेंड्स हाइलाइटर करने के लिए, लिटिल बिट हियर, थोड़ा सा हमारी नोज पे एंड यहाँ पे एंड थोड़ा सा यहाँ पे. सो इट्स लाइक आई नो कि मैं बहुत अभी यू नो ज़्यादा फनी लग रही हूँ, बट इट्स ओके. यहाँ पे मैं एक ब्लू मेरा ब्लेंडर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स. इसको सेटल हम लोग कर लेंगे यहाँ पे. सो इट्स लाइक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सेटल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स. या सो नाउ फ्रेंड्स यूर माई डन. एंड नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मेरा मैक का कंटोरिंग पैलेट ले रही हूँ. यहाँ पे मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने कंटोर करने के लिए, और यहाँ पे मैं ये ब्रश ले रही हूँ जो ट्राइंगल शेप में है. एंड थोड़ा सा ये क्रीमी बेस है तो इसे हमें ब्लेंडिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत नहीं ठीक है थोड़ा सा. सो नाउ इफ यू कैन सी फ्रेंड्स ये थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगा. इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. सो फ्रेंड्स कंटोरिंग इट्स डन. नाउ यहाँ पे मैं एक ब्रश ले रही हूँ एंड ये मेरा पैक का कॉम्पैक्ट है जो फिनिश होने को आया है. एंड दिस इज माई पाउडर ब्रश. सो नाउ मैं यहाँ पे पूरे फेस पे ऑल ओवर फेस मैं यहाँ पे ये पाउडर जो है मैं लगा लूँगी ताकि वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए. इफ़ यू कैन सी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया क्योंकि वो हमारा डबल चिन देखे ना इसके लिए. एंड नाउ इट्स डन टोटल. आई थिंक जो हमारा बेस है वो डन हो चुका है. नाउ सेकेंड जो हम अप्लाई करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे दिस इज माई नीविया आई शेडो पैलेट. और यहाँ पे मैं ये एक छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं ये जो ब्राउन शेड्स है उससे मैं मेरे आईब्रो फिलअप करूँगी लाइक दिस. सो फ्रेंड्स इफ यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो फिलअप कर लिए है. सो नाउ इट्स डन. नाउ अभी हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है मेरा शिवाना कलर्स ब्रॉन्ज. शिवाना का मेरा ब्रॉन्ज है और ये नंबर है 01. और यहाँ पे मैं ये छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर करने के लिए. और यहाँ पे मैं जो हाइलाइट यूज़ करने वाली हूँ वो है वाइट शेड. सो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. ये बहुत ही पिगमेंटेड है फ्रेंड्स, बहुत ही पिगमेंटेड है. मुझे ये बहुत ही पसंद है. दिस इज अ रियली नाइस पिगमेंटेड शेड है. फ्रेंड्स इसे हमें यहाँ पे भी लगाना है ताकि वो हमारे जो लिप्स जो है वो ज्यादा हाइलाइटर दिखे. So if you can see friends here, it's my contouring and this is the my highlighter. So it's done now. And this is the my naked 6 palette, Urban Decay. और यहाँ पर मैं जो शेड यूज़ करने वाली हूँ वो है this is brown shade. और यहाँ पर मैं ये छोटा सा ब्रश अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए. ये हमारी जो आँखों की ये जो यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे जो राउंड नेक गिरता है वहां पे हमें इसे ब्लेंडिंग करना है कुछ इस तरह. आई विल शो यू. इसे हमें स्मोकी इफेक्ट देना है फ्रेंड्स ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखे. नाउ इफ यू कैन सी हियर
सो फ्रेंड्स इट्स डन माई ब्लेंडिंग. इफ यू कैन सी यर की ये ब्राउन थोड़ा सा दिख रहा है शेड. नाउ अभी मैं यहाँ पे जो यूज करने वाली हूँ ये मैंने लोकल मार्केट स्टोर से खरीदा है. फ्रेंड आप इसे जज ना कीजिए, मैंने ये लोकल मार्केट स्टोर से खरीदा है क्योंकि ब्लू लाइनर मिलना बहुत ही मुश्किल है. एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट माई डी आई वाई लाइनर वीडियो सो आई मैंशन दिस लिंक ऑल्सो. मैंने डी आई वाई हाईलाइटर आई लाइनर का जो वीडियो बनाया है वो भी डी आई वाई है. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट माई वीडियो सो आई मैंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मैं एक ब्लू कलर का आईलाइनर ले रही हूँ. मैंने ये बहुत ढूंढा है और तब जाके मुझे ये मिला है. सो आई चेक. यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे विंक्ड बनाएंगे. इफ यू कैन सी हियर दिस इज हाउ फॉर यू लुक. देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने कुछ जो हमारी आईलेड एरिया है वहां से हमें इसे कुछ विंक्ड बनाना है. इफ यू कैन सी हियर फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे बना लिया है मेरा विंक लाइनर. एंड आई नो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है बट सच अ नाइस लुक. ये जो लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा है. सो प्लीज इसे आप ट्राई कीजिएगा. एंड दिस सेम लाइनर हम लोग हमारी वॉटर लाइन पे यूज करेगी कुछ इस तरह से. So if you can see like this. So friends it's done my liner and my waterline के नीचे भी मैंने इसे apply कर लिया है. So now यहाँ पे मैं एक मेरा eyeshadow palette ले रही हूँ. Friends इससे ही मैंने DIY मेरे liners बनाए हैं. So यहाँ पे मैं एक छोटा सा brush भी use कर रही हूँ है. And यहाँ पे मैं एक green color का eyeshadow जो है आपके पास जो भी eyeshadow है use कर सकते हो friends. यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस पर spray डाल के यहाँ पे इस ब्रश की मदद से हम लोग कुछ यहाँ पे बनाएंगे. आई शो यू फ्रेंड्स कि कैसे बनाना है इसे. सो यहाँ पे हमें पतला सा लाइन बनाना है कुछ इस तरह. एंड वन सेकंड. सो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ. इफ यू कैन सी हियर ये यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है. क्योंकि फ्रेंड्स ये ब्लू एंड ग्रीन का बहुत कॉम्बिनेशन है तो ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिखे बट थोड़ा सा सिमिलर है. इफ यू कैन हियर सी दिस ग्रीन एंड ब्लू. एंड या दिस इज हाउ लुक लाइक. आई शो यू द पिक्चर. दिस इज इफ यू कैन सी हियर ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन इट्स रियली नाइस. एंड दिस इसी कलर से हमें नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देना है फ्रेंड्स. सो नाउ इट्स डन फ्रेंड. इफ यू कैन सी हियर इट्स रियली नाइस एंड पिगमेंटेड शेड. आई रियली लव दिस शेड. इसलिए मैंने इसको DIY मेरे आईलाइनर्स बनाने के लिए रखे हैं यहाँ पे. एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज यहाँ पे मैं अपना ADS का ये जो मस्कारा है मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ. एंड सो हियर फ्रेंड्स आई एम अप्लाई दिस माय मस्कारा. हमें थोड़ा सा वाटर लाइन पे भी यूज करेंगे. बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा ठीक है. एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरा वेगा आईलैश कर्ल. सो नाउ मैं फेक आईलैशेस लगाने की भी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि मेरी आईलैशेस ऑलरेडी बहुत बड़ी है. एंड नाउ लास्ट दिस इज माय कलर एसेंस का जो शेड नंबर है यहाँ पे कहा है. आई डिडंट सी क्योंकि मैंने अपने स्पेक्स नहीं लगाए. बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है यहाँ पे.
So this is a really nice shade and this is the liquid shade and long lasting and ये बहुत matte है friends. तो यहाँ पे मैं apply करूँगी. This is my color essence का lipstick है. फ्रेंड्स देखिए इतना अच्छे से ये यू नो स्प्रेड हो जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है ये हमारे फेस पे. एंड नाउ लास्ट टाइम यूजिंग दिस माय किस ब्यूटी मेकअप सेटिंग्स पे. एज यू नो कि मैं सेटिंग अपना जो स्प्रे है वो भूलती नहीं हूँ. सो इट्स अ पिंच. सो फ्रेंड्स दिस इज द माय फाइनल लुक. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज द माय लुक. I hope friends that you like this video and keep on watching and please do not forget subscribe to my channel. And this is the my final look which I'm getting that inspired by Deepika Padukon. And yeah, keep on watching and give me a thumbs up please friends. Give me a thumbs up and like my videos and share my videos and take care. Bye bye.